लखनऊ में आज सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें पावन प्रकाश पर्व पर जनपद लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिख गुरुजनों का बलिदान केवल खालसा पंथ के लिए ही नहीं था, ये बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था। मेरा सौभाग्य है गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। इतिहास केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था, यह बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत चुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का यह प्रकाश पर्व, जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।